सामने ऑडियो थोड़ी चाहिए थी यार, जब मैं आऊँ तो सीटियाँ बजाए, देखे मुझे तालियां बजाए यार। अरे माशु तुम फिकर क्यों करते हो, तुम्हारी रुखसाना है ना, जैसे ही तुम्हारा शो स्टार्ट होगा ना, देखना जो लोग घरों में बैठे होंगे ना, वो यूं खड़े हो जाएंगे, सीटियां मारेंगे, क्लैपिंग करेंगे। यस मेरी होली बहुत मजा, और जंप के करना कि बस। चलो आर यू रेडी, बस वी आर स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स। ओके हां ओके ओके। अरे मैंने आपको बोला था यार कि ऑडियंस को सामने बिठाना है, आप सुनते नहीं हो। देखो माशू, ऑडियंस की फिक्र तुम ना करो, मैं किसी भी शो, कोई बड़े शो से ना ऑडियंस का क्लिप कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, बहुत हजूम भरा हुआ लगेगा तुम्हारे शो के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है, बस शो पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, मेक इट गुड, ओके ठीक है, ओके बेस्ट। ये लाइट चेक कर लेना, ये बाबा फ्लक्चुएट कर रही है माशू। All right, take करेंगे, as I say, 1, 2, 3, we are starting the shoot now. 1, 2, 3, go. Good evening, everyone. मैं हूँ माशू खान, माशू के आशिकों को मेरा सलाम। Well, सबसे पहले तो अपना शो शुरू करेंगे। सुना है मैंने कि रात के 12 बज चुके हैं। Well, रात के 12 बजे भी बजते हैं तो क्या होता है? Well, माशू का शो होता है यही होता है। अब जब ये शो शुरू होने वाला है, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम 12 बजे ऐसी बातें करेंगे जो आज तक किसी ने की नहीं है, और वैसी बातें नहीं करेंगे जो हम पहले किया करते। कट कट, यार क्या कर रहे हो तुम, तो वॉक तो प्रॉपरली करो। अभी क्या है, भूले हो मुर्गी की तरह कट क्या बोल रहा है, क्या पोल्ट्री फार्म से आया है? माशू कट का मतलब होता है रिकॉर्डिंग रोक दी जाएगी, मैंने रिकॉर्डिंग रुकवाई है, समझ नहीं आ रही है तुम्हें क्या? ओ भाई वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों रुकवाया है? ये शो रात के 12 बजे नहीं, शाम के 7 बजे ऑन एयर होगा। तुम रात के 12 बजे किसको शो दिखाने वाले हो? यार ये शो रात के 12 बजे भी होता है, जब रात के 12 बजेंगे तब ये बात सेट हो जाएगी ना, नॉनसेंस यही कहाँ से लाया? माशूक मैं जैसा बोल रहा हूँ उसी तरह करो, और बराए मेहरबानी अपनी चाल थोड़ी बेहतर करो, एक चैनल शरीफ लोग भी देखते हैं यार। ए ये शरीफ वरीफ क्या होता है भाई? ओ भाई शरीफों से मुझे बहुत डर लगता है, हम तो ऐसे ही करेंगे यार, खुदा का वास्ते प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो कैसे बेबी? आपकी आंटी अच्छी है तो जाहिर बात है सबको अच्छी लगती। हेलो जी आंटी, शानिया ऑफिस से तो आ गई थी लेकिन वो फौरन ही कमरे में चली गई थी, अब मुझे नहीं पता कि वो जाग रही है या सो रही है, जाग रही होगी तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ। शानिया, शाना आंटी की कॉल है, तुमसे बात करना चाह रही हूँ। नहीं उनसे कह दो कि मैं सो चुकी हूँ। क्या कह दूँ, तुम कह रही हो कि तुम सो गई हो या तुम सो चुकी हो? अरे बाबा कुछ भी कह दो, बस मुझे उनसे बात नहीं करनी अभी। हेलो जी आंटी, मुझे लगता है वो सो चुकी है। जी जी मैं सुबह आपकी बात करवा देती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। वो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी हैं, मुझसे कह रही थी कि सुबह कॉल करूंगी बात करने के लिए। शानिया प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों अवॉइड कर रही हो आंटी को इतना? एक्चुअली वो ये चाह रही है कि मैं उनके घर जाऊं और वहां स्टे करूं, एंड आई डोंट वांट दिस। नहीं आंटी आप कहीं नहीं जाइएगा, आप हमेशा के लिए यहीं रुके। बेटा आंटी हमेशा के लिए तो यहाँ रह नहीं सकती, जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनको अपने घर तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, आपकी भी तो शादी हुई थी, मैंने आपकी शादी की वीडियो देखी है, आप भी तो यहीं रहती है ना। अच्छा बस बहुत हो गया, आते शाहना आंटी, कम ऑन वी हैव टू हैव सम रेस्ट। चलो जी। बोल बाला, बोल बाला। मेरा नाम सुभान है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज टॉक शॉक हमारे स्कूल आया है और हमें मोबाइल इंटरनेट के जरिए पढ़ाई बेहतर करने के तरीके बता रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मोबाइल इंटरनेट से तालीम इतनी आसान हो सकती है। अभी टॉक शॉक इंटरनेट चैंपियन कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है पैकअप करते हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? ए भाई
मेरे दिमाग में तो है सूखा हुआ भूसा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना गीला भूसा है, इसमें कीड़े घूम रहे हैं। समझ में आया? शुक्रिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं होस्ट हूँ, मैं माशू खान हूँ, दुनिया मुझे प्यार करती है। अगर मैं ऐसे चलूंगा ना तो कोई मेरा शो नहीं देखेगा। लोगों को इस चाल से इश्क है, समझ में आया? मेरी बात सुनो, वो अंधे लोग होंगे जो तुम्हें इस तरह देखते हैं। मेरे चैनल के व्यूअर्स इस तरह की चीजें देख के चैनल बंद कर देते हैं। हाँ तो बंद करवा दो। मेरी बात सुनो, दिस टाइम दिस इज योर लास्ट चांस। अब तुमने इस तरह की हरकत करी ना, आई एम गोना फाइव यू आउट ऑफ द शो। ओके ओके माशू, जैसे ये कह रहा वैसे करो ना। इधर आओ माशू, अभी मैं निजामी को फोन करती हूँ, चुप, ताकि वो असद के बच्चे को बताए। का फोन है? फोन किया, अगर अल्लाह की उठ गई तो मेरी साहब बता दी किसको मना किया कि घर में फोन ना किया। मुझे माऊ ये टेडी बियर भी बहुत, एक बियर मेरे तेरे को समझाया था कि जब मैं छुट्टी पे हूँ घर पे हूँ तो मुझे फोन ना किया कर, मेरी बीवी मेरे सर पे होती है वो एक लड़े मारेगी। क्या हुआ तुझे फोन? निजामी, अभी मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो फिर किस लिए फोन किया बोल? अभी मैं माशूक के शो की रिकॉर्डिंग पे हूँ, और वो जो तुम्हारा डायरेक्टर है ना असद, वो बिलावजा माशूक से लड़ रहा है और माशूक नाराज होके जा रहा है। ये उसकी ये जुरत, वो मेरा मुलाजिम हो के उसका शो रिकॉर्ड नहीं करे, मैं उसको फायर कर दूंगा। तू फोन बंद कर, मैं अभी तुझे फोन करता हूँ। हाय निजामी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई लव यू। निजामी कितने दूर गया है भाई? ए देवी, पैरा में ना पमेरी लगी, एक जगह नहीं बैंदा, गया किधर है? तक नहीं है। मैं ये शाहरुख मिल गया, तू घर में मजे लूट रहे, उधर सेट पे लड़ाइयां हो रही है, असद जो है वो मासूम के साथ जंग कर रहा है। फौरन जाके मसले को सॉल्व कर, जल्दी जा, मैं तुझे कह रहा हूँ, फौरन जा, जल्दी जा। या अल्लाह, बीवी नाराज है। ये बात तो कराओ। आ गया। हेलो, हाँ निजामी। हाँ टीडी बियर, मैंने शाहरुख मिर्जा को फोन कर दिया, अभी सारे मसले हल हो जाएंगे। खबरदार, जो तूने आईना मेरे को फोन किया, घर के अंदर में जमूंगा, समझी? निजामी उसे कौन है, जल्दी से आ जाए, माशूक नाराज होके जा रहा है। तुम्हें पता है कि कितना महंगा सेट लगा है, हमारे चैनल को कितना नुकसान होगा, और हमने इसको एडवांस भी दे दिया है। ए टीडी बियर, तू ऐसे कर, जल्दी से फोन माशूक को दे, मैं उसको समझाता हूँ, जल्दी दे। हाँ एक सेकंड, होल्ड करो होल्ड करो, माशूक सामने बात करेगा, बात कर। हेलो निजामी। ए माशूक, सुने तू नाराज हो गया? यार तुम्हारे सेट पर ऐसे लोग होंगे तो हम लोग नाराज तो होंगे ना यार। मेरी जान, तूने तू नाराज है, नाराज ना हो, गुस्सा थूक दे। ओ मेरी जान मासूम, गुस्सा थूक दे यार, नाराज मत हो। मासूम का तो गुस्सा तो थमा लेगा, और बीवी के गुस्से का क्या करेगा? कल ये तू आ जाए, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? यार मेरी बात तो सुन, बोलता जा रहे तेरा इतना कुछ है, जनानियों की तरह बातें कर रहे तू। बात सुन, तुझे कहा है ना नाराज नहीं होगा, रिकॉर्डिंग करा आराम से। हाँ रिकॉर्डिंग कराना, कोई बात नहीं। हाँ 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 हो जाएगा। मुझे माऊ माशूक को फोन कर रहा था, अब ऊपर अल्लाह मियां के घर से माशूक को कॉल करना। हाँ सीरियसली, आउटडोर पे निकल के रिकॉर्डिंग करना, इट्स टू हेक्टिक, और फिर कराची की गर्मी। असद की कॉल। हेलो। हाँ असद। सर ये माशूक मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, शो बिल्कुल सही से नहीं कर रहा है। क्या सर? आई एम सॉरी, मैं मजीद ये शो रिकॉर्ड नहीं करा सकता। अच्छा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। अब आ रहे हैं? ओ गुड, सर जल्दी आ जाएं प्लीज। या आई एम कमिंग। इट्स टू मच, हद से बढ़ गया ये। खैरियत क्या हुआ यार? एक वाहियात और बदतमीज किस्म का आदमी है माशूक, उसका नाम है।
वो निजामी ने ऊपर से उसे एक प्रोग्राम दे दिया करने को, स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं सब कुछ। आई हैव टू गो। शानिया ये बहुत गुस्से में है और जब भी इनको गुस्सा आता है ना तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे ये गुस्सा नहीं करते, लेकिन प्लीज तुम इनके साथ चली जाओगी? ओके, डोंट यू वरी, मैं जाती हूँ साथ। तुम्हारा वहाँ क्या काम? शाहरुख, शानिया को मैंने ही कहा है आपके साथ जाने के लिए, वरना पता नहीं गुस्से में आप क्या कर जाएंगे। तुम्हें बताने की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। और इसका वहां पे क्या काम है? क्या मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता? अच्छा ओके, अगर मैं साथ चलूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्लीज आई वांट टू गो विद यू, कम ऑन लेट्स मूव। ओके बाय। बोल बाला।